ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस फाइनली अभी हम लोगों की जो गाड़ी का काम है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले अभी आप लोग यहाँ पे देख लो, गाड़ी के जो व्हील है उनको निकाला गया है, और व्हील निकालने के बाद अभी आप लोग यहाँ पे देखो गाड़ी की जो फिल्टर बॉडी है, तो फिल्टर बॉडी को निकाल दिया गया है। यहाँ पे अपने गाड़ी के स्पार्क प्लग है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, गाड़ी की हम लोग मेजर सर्विसिंग करने वाली है 40,000 किलोमीटर पे। तो वो गाड़ी के जो सारे फिल्टर्स है उनको चेंज कर दिया जाएगा, जो गाड़ी के फ्लूइड है उनको भी यहाँ से चेंज कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले अभी आप लोग यहाँ पे देखो गाड़ी के जो व्हील निकाले हुए, तो जो फ्रंट के ब्रेक पैड है उनको इंस्पेक्ट किया जाएगा, और जो अपनी गाड़ी की कैलिपर की पिन आती है जो फ्रंट में रहती है, तो उसको जो है वो ग्रीसिंग किया जाएगा। तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पे देखो गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो अभी यहाँ से ड्रेन किया जाएगा। साथ में गाड़ी का जो ऑयल फिल्टर है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। तो सबसे पहले गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो यहाँ से ड्रेन किया जाएगा। तो आप लोग देखो ऑयल को कैसे यहाँ से पूरा ड्रेन करके एक पैन है उसमें पूरा कलेक्ट किया जाएगा। और अभी ऑयल यहाँ से ड्रेन करने के बाद हमारा ऑयल फिल्टर है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, तो ऑयल फिल्टर को भी वो यहाँ से पूरा निकाला जाएगा। तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पे देखो, तो अभी अपना यहाँ पे जो फ्यूल फिल्टर है, तो गाड़ी का फ्यूल फिल्टर यहाँ पे सिचुएटेड है, तो फ्यूल फिल्टर अभी यहाँ से चेंज किया जाएगा। तो 40,000 किलोमीटर की सर्विसिंग है, तो उस सर्विस में आप लोगों का फ्यूल फिल्टर को चेंज होना ही रहता है। तो अभी फ्यूल फिल्टर यहाँ से पूरा रिप्लेस होगा। और साइमल्टेनियसली गाइस यहाँ पे देख लो अपना जो ऑयल वाला फिल्टर है, तो अभी वो यहाँ से निकाला जा रहा है। सो देखो ऑयल फिल्टर पूरा भी यहाँ से निकल जाएगा, तो इसमें से थोड़ा बहुत जो ऑयल है, जो बचा कुछ ऑयल रहता है, तो वो ये भी यहाँ से निकल जाएगा। और देख लो गाइस जो नया वाला ऑयल फिल्टर है वो अभी यहाँ पे लगाया जा रहा है। सो पुराना वाला फेंक दिया है और नया वाला ऑयल फिल्टर यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। सो वहाँ से जो अपना फ्यूल फिल्टर है वो निकाल रहे। और गाइस अभी आप लोग यहाँ पे देख लो गाड़ी का जो कूलेंट है वो यहाँ से ड्रेन किया गया है। तो कूलेंट की क्वालिटी भी खराब हुई थी, 40,000 किलोमीटर में पे इंटरवल पे इसको चेंज करना होता है। लास्ट 4 साल में इसको चेंज भी नहीं किया हुआ था, तो चेंज करना तो जरूरी था, तो अभी कूलेंट को यहाँ से चेंज किया जा रहा है। तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पे देख लो ये जो अपना नया वाला फ्यूल फिल्टर है, तो ये नया वाला फ्यूल फिल्टर अभी इसमें इंस्टॉल होगा। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे उसकी पोजिशनिंग होती है, तो नया वाला फ्यूल फिल्टर है वो अभी यहाँ पे इंस्टॉल किया जाए गया है। सो गाइस आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ अपने गाड़ी में अभी है ना ये नए वाले जो ब्रेक पैड है, तो आप लोग यहाँ पे देखो पूरा जेन्युइन नए ब्रेक पैड अपने गाड़ी में डलने वाले। साथ में आप लोग यहाँ पे देखो जो कूलेंट है यहाँ पे ये कूलेंट भी डलेगा। अपने गाड़ी में जो चारों स्पार्क लगे वो भी डल जाएंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। तो ये जो स्पार्क लगे ये अपनी गाड़ी में डलने वाले। साथ में आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ जो अपनी गाड़ी का एयर फिल्टर है, तो एयर फिल्टर भी यहाँ पे अपना नया डाला जाएगा। साथ में ये यहाँ पे देखो ये जो नया वाला ड्रेन प्लग है, ये जो नए बूश है, ये भी अपनी गाड़ी में डल जाएंगे। का जो इंजन ऑयल है वो चेंज हो रहा है, तो आप लोगों को ब्रेक ऑयल चेंज होने का भी प्रोसेस बताऊंगा। मेरा भाई यहाँ पे उसका शूट कर रहा है, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो ऑयल है उसको वो कैसे चेंज किया जाता है वो आप लोग यहाँ पे देख लो। मैं अपने गाड़ी में डलवाने वाला हूँ मोबिल का जो 0W20 ग्रेड का स्विफ्ट के पेट्रोल के लिए रिकमेंडेड है, वही ऑयल मैं अभी अपनी गाड़ी में वो यहाँ पे डलवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे 3.5 लीटर का ये इसका कैपेसिटी है, लेकिन अपने गाड़ी में जो डलेगा वो 3.2 लीटर के समथिंग जो ऑयल है वो यहाँ पे डल जाएगा। तो जो अपना ब्रेक वाला प्रोसीजर है मेरा भाई यहाँ पे वो शूट कर रहा है, तो आप लोगों को वो भी बताऊंगा कि वो पूरा प्रोसेस कैसे होने वाला है। साइमल्टेनियसली आप लोग यहाँ पे देख लो गाड़ी में जो ऑयल डालने वाला प्रोसीजर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो ऑयल अभी इसमें जो वो फिल अप किया जाएगा। ठीक है,
सो गाइस अभी देखो अपने गाड़ी का जो एयर फिल्टर है वो यहाँ से निकल के आया हुआ है, और अभी आप लोगों को जो नया वाला एयर फिल्टर है वो उसकी भी कंडीशन बता देता हूँ। सो अपने गाड़ी में जो एयर फिल्टर था वो कैसा है और इसको बदलना क्यों जरूरी होता है। पेट्रोल गाड़ी में 40,000 किलोमीटर पे इसको चेंज किया जाता है। तो एक बार आप लोग यहाँ पे देखो, ये अपना नया वाला एयर फिल्टर है, तो ये कैसा है। तो देखो ये पूरा व्हाइट है और ये पूरा ब्लैक है, तो इसीलिए अपनी गाड़ी का जो एयर फिल्टर है उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी फिल्टर को भी वो चेंज कर दिया जाएगा। तो देखो गाइस एयर फिल्टर है वो अपना यहाँ पे चेंज हो गया हुआ है। तो गाइस अभी अपने गाड़ी में यहाँ पे जो गाड़ी के स्पार्क प्लग होते हैं, तो सबसे पहले गाड़ी के स्पार्क प्लग को यहाँ से निकाला जाएगा। आप लोगों को बताता हूँ, 4 साल में एक बार भी ये गाड़ी के अभी तक स्पार्क प्लग है वो चेंज नहीं हुए थे। 40,000 रनिंग पे कोई भी आपके लोगों की पेट्रोल गाड़ी हो तो उसमें स्पार्क प्लग को चेंज करना बनता ही है, तो उसके लिए जो गाड़ी के स्पार्क प्लग है उसको चेंज किया जाता है। आप लोगों को बताता हूँ कि प्रोसेस कैसे होता है पूरा चेंज करने के लिए, और जो 4 स्पार्क प्लग है पुराने वाले भी आप लोगों को बताऊंगा और जो नए वाले वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होते हैं वो दोनों स्पार्क प्लग में। तो देखो गाइस अपना जो पहला वाला स्पार्क प्लग है वो निकाला, दूसरा वाला निकाला, तीसरा वाला निकाला, और अपना ये जो चौथा वाला स्पार्क प्लग है, तो ऐसे अपने जो चारों स्पार्क प्लग है वो यहाँ से बाहर आ गए। तो गाइस देखो फाइनली चारों स्पार्क प्लग है वो अपने यहाँ से बाहर आ गए, और अभी आप लोगों को जो पुराने वाले स्पार्क प्लग है और नए वाले स्पार्क प्लग है उनमें का आप लोगों को जो डिफरेंस है वो भी यहाँ पे दिखाऊंगा कि स्पार्क प्लग में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले अभी आप लोग यहाँ पे देखो, ये अपना पुराना वाला स्पार्क प्लग और नया वाला स्पार्क प्लग, आप लोग यहाँ पे जो डिफरेंस है वो चेकआउट कर लो। सो पुराना वाला कैसा है और नया वाला कैसा है आप लोगों को क्लियर यहाँ पे बताता हूँ कि स्पार्क प्लग में डिफरेंस देखो, ये यहाँ पे पूरा ब्लैक ब्लैक हो चुका है, और जो अपना नया वाला प्लग है वो यहाँ पे देखो। तो प्लग जब भी हम लोग चेंज करते हैं तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो टिप और इंसुलेटर टिप और इलेक्ट्रोड के बीच में का जो गैप है यहाँ पे आप लोग देखो, जो कंपनी रिकमेंड करती है वही गैप हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट करके लेना है। तो गाइस देखो अपना एक जो स्पार्क प्लग है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, तो अभी देखो दूसरा वाला स्पार्क प्लग है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है। तो ऐसे अपने जो चारों वाले स्पार्क प्लग है वो यहाँ पे इसके अंदर है वो इंस्टॉल। तो गाइस देखो अभी अपना जो येलो वाला कूलेंट है वो गाड़ी में वो फिलअप किया जा रहा है, जो ग्रीन कलर में आता है, तो ये जो कूलेंट है वो अभी इसमें जो वो पूरा फिलअप किया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पेट्रोल गाड़ी है इसकी जो कैपेसिटी वो 5 लीटर के आसपास है, तो इसमें 2.5 लीटर के आसपास कूलेंट जाएगा और 2.5 लीटर के आसपास जो अपना डिस्टिल वाला वाटर है तो वो उसमें फिलअप किया जाएगा। तो देखो गाइस अभी अपनी गाड़ी में जो कूलेंट है वो पूरा प्रॉपरली फिलअप किया जाएगा, पूरा हम लोगों ने कूलेंट है उसको ड्रेन किया गया था और पूरा अभी उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो गाइस अभी देखो गाड़ी का जो ब्रेक ऑयल है वो यहाँ से ब्लेड हो गया है, और अभी आप लोग यहाँ पे देख लो जो व्हील के स्टर्ट होते हैं उनको यहाँ पे सबसे पहले ग्रीसिंग किया जा रहा है, जो अपना पुराना वाला ऑयल है वो वही यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो अभी अपने जो नए ब्रेक पैड है वो अभी तक इसमें जो इंस्टॉल है वो हुए नहीं है, तो पुराने वाले ब्रेक पैड है वो यहाँ से निकाले जाएंगे, अपने नए वाले इसमें इंस्टॉल हो गए। तो पुराने ब्रेक पैड में और जो नए ब्रेक पैड में उसमें आप लोगों को डिफरेंस आप लोगों को बताता हूँ कि क्या डिफरेंस है, क्यों ब्रेक पैड गाड़ी के वो चेंज किए। सो अभी ये जो अपना लेफ्ट वाला साइड है उसका सबसे पहले यहाँ से ब्रेक ऑयल ब्लीड किया जाएगा, और जो अपने बाद में ब्रेक पैड है वो चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों को जो पुराना वाला ब्रेक पैड है और जो नए वाले ब्रेक पैड है आप लोग उसमें का डिफरेंस देखो, उसमें जो अपना मटेरियल होता है जो लेदर का मटेरियल इसमें आता है तो वो आप लोग यहाँ पे एक बार डिफरेंस देख लो। ये अपने पुराने वाले ब्रेक पैड है
और ये अपने नए वाले ब्रेक पैड है। तो आप लोग यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ना वो एक बार नोटिस कर लेना। सो यहाँ पे कितना ज्यादा लेदर बचा हुआ है और यहाँ पे वो लेदर कितना कम हो गया है। तो इसी रिगार्डिंग हम लोगों को ये जो ब्रेक पैड है उसको चेंज करना चाहिए। अगर फिर भी हम ब्रेक पैड को नहीं चेंज करते तो अपनी गाड़ी में वो ये जो डिस्क है यहाँ पे लाइनिंग आ सकते है। तो इसलिए ब्रेक पैड है वो टाइम पे ही चेंज हो जानी चाहिए। तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पे देख लो गाड़ी का जो ब्रेक पैड है वो चेंज होने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो जो गाड़ी का कैलिपर का पिन है उसको ग्रीसिंग किया जाएगा। और अभी आप लोग यहाँ पे देखो जो कैलिपर है अभी उसको यहाँ से हटाया जा रहा है और जो पिस्टन है उसको बैक पुल पुश करके जो अपने गाड़ी में पैड है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पे देख लो ये अपने गाड़ी के जो नए वाले ब्रेक पैड है तो नए वाले ब्रेक पैड यहाँ पे आ गए। और सबसे पहले अपनी गाड़ी का जो ब्रेक ऑयल है उसको यहाँ से ड्रेन किया जाएगा। तो ब्रेक ऑयल को ड्रेन होने देते हैं साइमल्टेनियसली यहाँ पे अपनी गाड़ी और यही से अभी आप लोग देखो अपनी गाड़ी में वो ब्रेक फ्लूइड है वो डाला जा रहा है। सो डायरेक्टली मशीन से जो फ्लूइड है वो अपनी गाड़ी में वो यहाँ पे डाला जाएगा। तो गाइस देखो अभी जो अपने गाड़ी का रियर वाला ड्रम है उसको यहाँ से खोला जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप हम लोग इनसे पूछने वाले कि अपने जो ड्रम की कंडीशन है वो कैसी है। सो देखो ड्रम की कंडीशन है वो अच्छी है जो अपने लाइनर है उनके। तो अभी ये जो अपने मारुति का सुपर क्लीनर का स्प्रे आता है तो इससे अपना पूरा ये वो क्लीन हो जाएगा। ये पूरा ड्रम और उसकी जो असेंबली है वो पूरी क्लीन हो जाएगी। तो गाइस देखो ऐसे करके जो अपना जो सिलेंडर का लीकेज है वो चेक किया जाएगा। अगर सिलेंडर जाम होगा तो ये इतने आसानी से फ्री नहीं फिरेगा। तो इस तरह से ये जो अपना पूरा है वो यहाँ पे ड्रम क्लीन हो गया। तो गाइस इसी तरह से जो अपने दोनों ड्रम है वो यहाँ पे पूरे अच्छे से क्लीन कर दिए गए। इसमें जितने भी ज्यादा डस्ट थी रस्ट थी वो सारी यहाँ से भी हटाई गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोई भी गंदगी आप लोगों को यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली। पूरा अच्छे से यहाँ पे जो है वो क्लीन किया जाएगा। तो गाइस अभी आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ अपनी गाड़ी की जो थ्रोटल बॉडी है उसको यहाँ से यहाँ पे क्लीन किया जाएगा। अगर आप लोग अपनी गाड़ी की थ्रोटल बॉडी वो अगर टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करवाते तो आप लोगों को माइलेज की दिक्कत आ सकती है। आप लोगों की गाड़ी में जर्किंग की भी दिक्कत आ सकती है। सो इसलिए आप लोगों को जो गाड़ी के स्पार्क प्लग्स और थ्रोटल बॉडी उसको टाइम टू टाइम सर्विस और क्लीन करवाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अभी आप लोगों को जो पूरा प्रोसेस है थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग का वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पूरा आप लोग प्रोसेस देखो कि कैसे प्रोसेस होता है। तो गाइस देखो अभी अपनी जो थ्रोटल बॉडी है वो यहाँ पे पूरी क्लीन की जाएगी। तो यहाँ पे देखो स्प्रे की हेल्प से जो थ्रोटल बॉडी है वो पूरी क्लीन हो जाएगी। तो थ्रोटल बॉडी पे एक प्लेट होती है गाइस जिसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी रिगार्डिंग जो थ्रोटल बॉडी वो क्लीन हो जाएगी। तो ये देखो गाइस जो गंदगी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो कार्बन है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो थ्रोटल बॉडी वो टाइम टू टाइम क्लीन करवानी बहुत जरूरी होती है। तो गाइस देखो हम लोगों का जो ऑलमोस्ट काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और अभी आप लोगों को और एक चीज यहाँ पे बताता हूँ जो अपने गाड़ी के बैटरी के टर्मिनल है तो आप लोग यहाँ पे देख लो यहाँ पे पूरा कार्बन डिपॉजिट हो गया है। सो आप लोगों को जूम करके बताता हूँ तो यहाँ पे ये जो पूरा कार्बन है तो अपने टर्मिनल निकाल के इसको पूरा क्लीन किया जाएगा और जो अपने जो स्प्रे आता है उससे यहाँ पे कोट किया जाएगा। तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पे देख लो तो सबसे पहले अपनी जो गाड़ी का बैटरी का वाटर है डिस्टिल वाटर तो उसको चेक किया जाएगा। उसकी ग्रेविटी वो चेक की जाएगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया जो अपनी गाड़ी के टर्मिनल है यहाँ पे कार्बन है तो ये सारा कार्बन यहाँ से क्लीन किया जाएगा। तो पूरा क्लीन होने के बाद आप लोगों को फाइनल दिखाता हूँ कि ये कैसे क्लीन होता है और आप लोग देख लेना। तो गाइस देखो ये हाइड्रोमीटर होता है तो हाइड्रोमीटर से अपने जो बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को पूरा चेक किया जाएगा कि इससे आप लोगों को पता चलता है कि आपकी बैटरी की कंडीशन कैसी है ख़राब है अच्छी है। तो यहाँ पे आप लोगों को वो चीज़ पूरी देखने को मिलती है।
तो अभी अपनी गाड़ी के जो टर्मिनल है वो निगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, तो दोनों टर्मिनल को वहाँ से निकाला जाएगा और जो प्रॉपरली उनको वो क्लीन किया जाएगा, जितना भी उस पर कार्बन होगा वो पूरा वहाँ से निकाला जाएगा, ताकि एकदम आप लोगों को स्टार्टिंग में कुछ भी दिक्कत ना आ सके, तो इसलिए वो पूरा क्लीन किया जाएगा। सो गाइस अभी यहाँ पे जो अपने गाड़ी का लिंक रॉड है उसको यहाँ से निकाला हुआ था, उसको भी चेक किया गया, और अभी उसके बाद में जो लिंक रॉड है उसको वापस यहाँ पे पूरा फिक्स किया गया। सो गाइस अभी आप लोगों को बताता हूँ, जो अंडर बॉडी सारे बोल्ट तो अभी उनको यहाँ पे पूरा टाइट किया जाएगा, अगर कौन सा भी बोल्ट अगर लूज है तो वो यहाँ पे टाइट हो जाएगा, पूरी गाड़ी की जो अंडर बॉडी चेकिंग है वो यहाँ पे आप लोगों को पूरी देखने को मिलेगी। तो फाइनली गाइज अभी मेरी गाड़ी का काम है वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी आप लोगों को सीधा बताता हूँ, गाड़ी अपनी जो जाएगी वो वॉशिंग के एरिया में जाएगी, तो गाड़ी का काम है वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज अभी अपनी गाड़ी का काम है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट होने के बाद अपनी गाड़ी आ गई है वॉशिंग एरिया में, हम लोगों की गाड़ी कम्प्लीटली अंदर से वैक्यूम की जाएगी, वॉश की जाएगी, पूरा काम है वो यहाँ पे एक नंबर बढ़िया होने वाला है, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली, अच्छे से गाड़ी को एक बार पूरा वॉश होने देते, 360 वॉशिंग है, आप लोग नीचे से भी देख सकते हो, पूरी अच्छे से वॉशिंग होगी, फिर आप लोगों को एक बार फाइनल गाड़ी का जो व्यू है वो बताता हूँ।